अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर आपका भाई आपका दोस्त एक नई वीडियो लेके हाजिर है। ये वीडियो वही है शाहराए शहदा से शहीद पार्क तक का पार्ट टू। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और इसमें मैं आपको कुवैत में मौजूद शहीद पार्क का विज़िट कराऊंगा। उसमें बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या इसमें है, लोगों के लिए एक्टिविटीज़ और किस तरह से लोग यहाँ पर आके अपनी शामों को इंजॉय कर सकते हैं छुट्टी वाले दिन फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और ये मेरी वीडियो जो है वो शहीद पार्क के पूरी कवरेज में बनाई गई है, तो इसको आप पूरा देखिए। और इससे पहले वाली वीडियो जो है मेरी शाहराए शहदा टू शहीद पार्क, वो भी ज़रूर देखिए। पहली वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई थी, मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें शाहराए शहदा टू शहीद पार्क तक कवरेज कर लूँगा, लेकिन वो काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। अब लंबी वीडियो लंबी होने की वजह से आप लोग देखते नहीं हैं, लोग बोर हो जाते हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो होती है, तो इसी वजह से जो है इसका मैं पार्ट टू पेश कर रहा हूँ। और चलिए देखते हैं शहीद पार्क। शहीद पार्क कोहेट की पब्लिक के लिए खूबसूरत मकान। चलिए आपको लॉन्ग शॉट में पूरा कोहेत दिखा देता हूँ मैं। कोहेत की बिल्डिंग में कोहेत में जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उन सबके मॉडल्स यहाँ रखे हुए हैं, एक लॉन्ग शॉट में आपको दिखाता हूँ। और इसकी सतह जो इस तरह से बनाई गई है कि वो बिल्कुल जो कोहेत की जो सतह है, कोहेत की ज़मीन की जो सतह है बिल्कुल उसी सतह पर बनाया गया है। ये देखिए ये वही लिबरेशन टावर जो मैंने आपको दिखाया था, इसका मैंने ओरिजिनल आपको मैंने दिखाया था, यहाँ से भी दिखेगा शायद थोड़ा सा दिख रहा है। देखिए अगर आप देखना चाहें तो ये इसका जो मॉडल है और वो असल जो है वो इसके पीछे की तरफ दिख रहा है। ये कोहेत टावर का मॉडल। देखिए आपको यहाँ से ये सही महसूस होगा, ये मस्जिद अल कबीर। और सामने जो ऊपर की तरफ आपको वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है तो खैर सभी वाइट, वो है कुवैत की नेशनल असेंबली। ये देखिए उसके मॉडल्स है, ये जो है मस्जिद अल कबीर। और सामने जो ऊपर की तरफ बिल्डिंग दिख रही है आपको, और ये हकीकत में भी इसी तरीके से है कुवैत में। ये पानी कितना साफ़ है यहाँ पे, ये एक उन्होंने पानी में कश्ती बना के खड़ी की हुई है। और ये देखिए पानी किस कदर साफ़ है कि नीचे का पत्थर तक नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये रेस्टोरेंट वगैरह भी है। जैसा भी मैंने आपको बाबल शेप दिखाया, बाबल शाह उसी का ये मॉडल यहाँ पे भी है। मैंने आपको ओरिजिनल दिखाया है, यहाँ पे इन्होंने मॉडल बना के खड़ा किया हुआ है। ये इसका दरवाज़ा चले, यहाँ से एंटर होते हैं। देखिए जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि कुवैत में पौने तरह का, अभी मैंने आपको बाबल शाह दिखाया उसी तरह की तर्ज का, ये यहाँ पर इन्होंने मॉडल बना के खड़ा किया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके इसका है, ये यहाँ से देखिए अंदर से। कुवैत में कुछ इस तरह के घर हुआ करते थे किसी ज़माने में, देखिए कच्ची मिट्टी है ये देखिए। और उसकी छत भी बिल्कुल उसी की तरह है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया शाहब गेट, बिल्कुल उसी की तरह छत है इसकी। ये देखिए ये थोड़ा सा बाहर से भी मैं आपको दिखाता हूँ।
लकड़ी के जो है यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं इसको पिलर्स जो है वो लकड़ी के बना के खड़े कर लकड़ी के बनाए हुए हैं। ये देखिए ये पूरा वही मॉडल है। ये देखिए जनाब पूरे कोवैत का ही नक्शा इन लोगों ने जो है यहाँ पे बना के रखा हुआ है। पूरा कोवैत इन्होंने एक छोटी सी जगह पे एक छोटे छोटे मॉडल्स बना के यहाँ पे रख दिए हैं कि जो लोग पुराना कोवैत देखना चाहेंगे किस तरह का कोवैत था उसी तरह उसी के छोटे छोटे उन्होंने मॉडल्स बना के रखे। पूरे पूरे शहर बनाए हुए हैं ये। ये देखिए यहाँ से पूरा वहाँ तक ये एक शहर आबाद है। यहाँ पर आ गया तो एक दूसरा शहर बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए पुराने पुराने मॉडल्स छोटे छोटे खूबसूरत से। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आप आएँ और बहुत ही खूबसूरत है ये देखने वाली चीज़ है। मुझे तो बहुत पसंद आई ये चीज़। आप भी आएँ यहाँ पे इन चीज़ों से इन्जॉय करें कि पूरे कोवैत का नक्शा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप पुरानी पुरानी यादों में खो जाएंगे। अलकिबला गर्ल्स स्कूल, ये अलकिबला गर्ल्स स्कूल का मॉडल है। ये देखिए अलकिबला गर्ल्स स्कूल इसका भी किसी इस तरह कभी इस तरह का हुआ करता था अलकिबला गर्ल्स स्कूल। और ये देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे घरों के मॉडल्स जिस तरह पहले ज़माने में हुआ करते थे। और वो सामने एक बिल्ली भी नज़र आ रही है, बिल्ली निकल के आई बाहर। ये देखिए और जो छोटी छोटी जो आपको जो कश्तियाँ नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल एक पुराने कोवैत का मंजर पेश कर रही है जनाब। बहुत ही खूबसूरत एक जगह है ये, बहुत ही प्यारी मुझे लगी, बहुत ही अच्छी एक जगह है शहीद पार्क। आप यहाँ पर आएँ अपने वीकेंड को खूबसूरत बनाएँ और यहाँ पर आकर खूब इंजॉय करें। यहाँ पर आपको पुरानी सारी हिस्ट्री कोवैत की जितनी भी है वो सब नज़र आ जाएगी कि किस तरह का किसी ज़माने में कोवैत हुआ करता था। ये देखिए बल्दी अल कोवैत, ये ऑल म्यूनसिपलिटी बिल्डिंग, ये पुरानी जो एक कोवैत की जो बल्दिया इदारा बल्दिया की जो बिल्डिंग थी वो पुरानी वाली। अब तो ये नहीं है, अब तो वो दूसरी है, मैंने देखी है दूसरी वाली नई वाली भी। ये उसका एक मॉडल है मस्जिद अल कबीर, ये उसका मॉडल है यहाँ पे। ये आज भी इसी तरह की है। अंदर से थोड़ी सी रिनोवेशन हो गई है इसकी लेकिन है आज भी इसी तरीके से। ये सूख मुबारकिया, ये सूख मुबारकिया का मॉडल है, बहुत ही ज़बरदस्त जनाब। देखिए सूख मुबारकिया का मॉडल है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर रखा हुआ। जनाब ये है रेड पैलेस फोर्ट, ये कोई लाल किला रेड पैलेस फोर्ट है, ये कोई फोर्ट है, कोई पुराने ज़माने का किला है ये। ये उसका मॉडल बना के रखा है, ये मैंने कभी नहीं देखा कोई इतने कहाँ था और कब था और कैसा था। ये यहाँ पे नाम इसका यही लिखा हुआ है रेड पैलेस, ये खूबसूरत सा मॉडल देख लीजिए ये भी आप। तो सूकुल मुबारक आज भी ऐसा ही है, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। ये देखिए जो उन्होंने मॉडल्स बना के रखे हुए हैं उसके सामने ये देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खूबसूरत सा मंजर पेश कर रही हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बच्चों के लिए प्लेलैंड है। यहाँ पे बच्चे वगैरह आए तो यहाँ पे प्लेलैंड है, यहाँ पे बच्चे वगैरह के एक्टिविटीज़ के लिए बच्चे वगैरह यहाँ पे खेल सकते हैं। ये भी बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप लेके आए फैमिली को लेके आए बहुत अच्छी तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं शहीद पार्क। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक फाउंटेन लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर म्यूज़िकल फाउंटेन भी है,
म्यूजिकल फाउंटेन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ऐसे एक नॉर्मल फाउंटेन है लेकिन काफ़ी खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। वो जो सामने आप रहे हैं वो म्यूजिकल फाउंटेन है, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये टनल सा मतलब दूसरी साइड निकलने के लिए टनल सा आए थे ना है, तो टनल में मैं देखते हैं क्या है। टनल से निकलने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा इंस्टीट्यूट आप बनाया गया है, यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होते हैं शायद, तो कोई प्रोग्राम किसी प्रोग्राम की तैयारी है। चलिए चलते हैं, अभी हमारा यहाँ पे काम भी तो चलते हैं दूसरी तरफ और वहाँ देखते हैं। जनाब यहाँ पे जो है जो लोग विजिट्स के लिए आते हैं उनके लिए छोटा सा शॉपिंग सेंटर भी बनाया गया है ट्रॉली के नाम से। तो यहाँ मैं आया था काफ़ी देर से घूमते घूमते प्यास लग गई थी, तो अब मैं आया हूँ यहाँ से। मैंने अपने लिया है जूस और एक सैंडविच और एक पानी की बोतल। तो ये देखिए ये ट्रॉली, ये नाम है इसका, तो यहाँ से मैंने लिए। अब चले कहीं बैठते हैं और कुछ खाते हैं। अगर आप बहुत देर हो गई घूमते घूमते भूख लग गई है, अभी मैं कोई खाली बेंच देखता हूँ वहाँ बैठता हूँ कुछ थोड़ा सा खाता हूँ, उसके बाद फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। अब कुछ जान में जाना, जान में जाना है जनाब, थोड़ा सा पानी पी के। मैं तकरीबन दोपहर 2 बजे से घूम रहा हूँ और अब तकरीबन 5:30 होने वाले हैं और पानी मैंने जब से नहीं पिया था अब पानी पीता हूँ। पानी बहुत ठंडा है, सर्दियों के दिनों में पानी में ठंडा नहीं पीता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ। ट्रॉली में, ट्रॉली जहाँ से मैंने ये सामान लिया है उसका नाम है ट्रॉली, पानी वहाँ पर गर्म था ही नहीं, सभी फ्रिज में रखे हुए थे, तो चले अब मजबूरी में तो
बंदा पी सकता है। चिकन कलब सैंडविच जनाब खा रहा हूँ मैं इस टाइम। भूख तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ प्यास ज़्यादा लग रही थी, तो मैं चला चलो एक सैंडविच भी ले लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी जिसमें। फिर अब देखते हैं कितना टाइम लगता है और ब्लॉग बनाने में। जरा 5:30 तो बज चुके हैं, अब मैं थोड़ी सी लाइटिंग का इंतजार कर रहा हूँ, जरा म्यूज़िकल फाउंटेन है किधर, म्यूज़िकल फाउंटेन की जरा सी वीडियो बना के उसके बाद ब्लॉग खत्म करेंगे। मगरिब के अज़ान के बाद मगरिब की अज़ान सुन के उसके बाद उठते हैं यहाँ से और देखते हैं कि और ज़्यादा आप लोगों को दिखाने के लिए क्या है यहाँ पे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये म्यूजिकल फाउंटेन है, चलिए इसको करीब से देखते हैं और क्या है यहाँ पे, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जनाब ये शहीद पार्क के अंदर से कोई सिटी का खूबसूरत मंजर, क्योंकि शाम हो चुकी है, बिल्डिंगों की लाइट्स वगैरह जल चुकी है और लाइटों का जो अक्स है वो पानी में पड़ रहा है। देखिए कितना खूबसूरत एक मंजर पेश कर रहा है ये।
जी हाँ दोस्तों, म्यूजिकल लाइटिंग फाउंटेन में मैंने आपको दिखा दिया। म्यूजिकल लाइटिंग फाउंटेन में जनाब बड़ा टाइम लगा, बहुत देर बाद इन लोगों ने स्टार्ट किया। और चले बहरहाल, मैंने काफ़ी वेट करने के बाद इसकी वीडियो बनाई है। तकरीबन 4 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं ये, एक एक घंटे में 4 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं इसको। काफ़ी अच्छा फाउंटेन है। तो ये था कुवैत का शहीद पार्क। तो शहीद पार्क में आइए, ये कुवैत का एक वाहिद ऐसा पार्क है जो कि फ्री में है और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। और आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइबर मेरे पास बहुत कम है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में रखिए। अल्लाह।